व्यू लग रहा है, ग्रीनरी के साथ साथ ना एक नदी आ रही है और कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी क्या? सामने आप लोगों को दिख रहा होगा भाई पानी का जो लेवल है कितना तेज है, कितना तेज। चारों तरफ की लोकेशन अपनी कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब चारों तरफ ना ग्रीनरी काफी अच्छी हो रही है, ठीक है। और मैं जरा जा रहा हूँ, जरा एक काम से जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा तू? ये कट कर देना। चल बैठ। मौसम तो खुल रहा है यार सामने का। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बाकी भाई आज वाले व्लॉग में आप लोगों देखो, ये लग रहा होगा आप लोगों को सुबह है, ये सुबह नहीं है, ये शाम है। शाम के 5 बज गया शायद से, और हम लोग मतलब कि आज मैं मतलब 5 बजे आज व्लॉग बना रहा हूँ। और अभी मतलब कि एक जगह जाने वाले हम लोग, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा उस जगह जाके। आप लोगों को देखो जितनी भी ये गाड़ी दिख रही है ना राइट साइड में, ये पता है कि यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों है? अभी एक घंटे पहले अपने देहरादून में इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मतलब पूछो मत यार कितनी तेज़ बारिश हुई। मतलब देखो मैं रेनकोट पहन के निकला हूँ घर से और अभी बारिश हो नहीं रही है, ठीक है। और जिस जगह हम लोगों को जाना है शायद से वहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही होगी। वैसे तो अभी मैं बता दूँ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 6 नंबर पुलिया, और 6 नंबर पुलिया पर एक छोटा सा काम है, काम नहीं है वैसे तो, हमें एक बंदे को पिक करना है वहाँ से और तब हम लोग दूसरी लोकेशन पे चलेंगे जिस जगह आज हम लोगों को जाना था, ठीक है। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, अगर बारिश ना हुई ना तो ड्रोन भी उड़ाएंगे फिर, तो ड्रोन से आप लोग समझ गए होंगे आज हमारे साथ जा रहा है रियल रोडी, ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुँच गए यार, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से कॉम्प्लेक्स में। अभी रुक जाओ जरा, नीचे का व्यू देखो जरा क्या बढ़िया हो रखा। तो किसी को भी कपड़े खरीदने को तो यहाँ पे आ जाना, अपनी दुकान है। बाकी कॉल लॉक है, कहाँ जा रखे हम? शॉप के बाहर ही हैं। शॉप तो बंद है, 2:30 बजे का है। अच्छा कितनी देर में आ रहे? पहुंच गए हम तो, फिर जाना पड़ेगा ड्रोन के लिए। तो लेके आ जाओ ना। हाँ तो अभी तो रास्ते पे ही है। ठीक है, मैं यहीं रुके हुए फिर। ठीक है, तो ये थी देखो कल की कहानी, ठीक है। और रोज की कहानी यही चल रही है, जैसे ही घर से बाहर निकलो ना व्लॉग बनाने के लिए तो बारिश हो जा रही है, तो यही पंगा हो रहा रोज का। तभी मतलब आजकल ना व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं और काफ़ी लंबे लंबे गैप हो जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कि करते हैं आज वाले व्लॉग की शुरुआत। तो बाकी ये गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग और अनदर डे। तो आज वाले व्लॉग में कोई लंबा प्लान नहीं है जाने का। देखो आज ना मौसम साफ है एकदम और धूप निकल रही है अभी, ठीक है, पर एकदम ना बारिश भी आ सकती है, कुछ भरोसा नहीं। बाकी ये है कि जिस जगह हम लोग कल जाना था उस जगह हम लोग जाएंगे अब संडे को, यानी कि मतलब कल 18 तारीख है, तो कल ही वाला व्लॉग आ जाएगा और कल शाम को ही हम लोग फिर उस जगह जाएंगे जिस जगह हम लोगों को कल जाना था। अभी तो एक जंगल पार कर रहा था, अब दूसरे जंगल में पहुंच गया हल्के हल्के में। तो अभी आप लोगों को ना रास्ते में जब मैं आ रहा था तो ये लोकेशन बहुत हल्की होगी, मतलब पूरी लोकेशन देख के ही बहुत हल्की होगी, ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वाली जो जगह है वो कौन सी है और अभी मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो ये भी आप लोग सोचना ज़रूर। वैसे तो बहुत हल्की होगा काफ़ी सारे लोगों को कि अभी मैं किस तरफ जा रहा हूँ, पर फिर भी सोचना ज़रूर। बाकी वही व्यू देखो एक बार सामने का, क्या ही तगड़ा लग रहा। मानसून में एक ही चीज़ अच्छी है, बस ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बाकी तो यार देखो फ्लड वगैरह तो बेकार है। पर अरे कहाँ घुस रहा भाई भयंकर, ये तो पूरा ही चलो बढ़िया है, बाकी बढ़िया मौसम हो रखा बढ़िया। अरे भाई साहब, मैं तो ये सोच के ही नहीं आया था, मुझे लगा नॉर्मल होगा, ये तो पूरी नदी भरी हुई। चलो नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भाई सामने का आप लोगों को दिख रहा होगा व्यू नदी का, मतलब पूरा जो नदी है ना पूरी नदी भरी हुई है अभी, क्योंकि मानसून में पानी जो था इस बार कुछ ज़्यादा ही तगड़ा आया। ब्रिज पे जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर से दिखाया था, और अभी यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पर अभी एक चीज़ हो गई है, अभी क्या चीज़ हुई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले आगे रुकते हैं एक जगह। बाकी ये देखो सामने का व्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मेरे को जरूर बताना, मतलब नदी में पानी देखो अभी तो मतलब कम है, जब मॉनसून मतलब ज़्यादा था ना यहाँ पे तो फ्लड उस टाइम ज़्यादा आ गया होगा, और
देखो अब तो नॉर्मल हो गया हर जगह का पानी, पर अभी भरोसा नहीं यार कुछ, मतलब कि कब मौसम चेंज हो और कब एकदम से ना बारिश आ जाए फिर दोबारा से, कुछ भरोसा नहीं। तो बाकी अभी मैं ऊपर से आ रहा था, बाकी सुबह का व्यू तो काफ़ी अच्छा जाता है यार मानसून का भी, ये तो गुजरा जब धूप निकलती है बढ़िया हो रखा। बाकी यहाँ पे मतलब फ्लड इतना नहीं है, नॉर्मल है, पर फिर भी अगर मानसून में आता ना यहाँ पे तो काफ़ी मतलब फ्लड ना उस टाइम अलग ही लेवल का था। और भाई ये देखो सामने का क्या ही व्यू आ रहा, पानी की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी काफ़ी तेज़ आ रही है ठीक है, और मतलब पानी कितना है यहाँ पे देखो, ये देखो जरा पूरी नदी भर गई एकदम, पूरी नदी कवर होगी और हर जगह देखो पानी पानी, और पानी देखो कितना लाउड आ रहा, मतलब कितनी तेज़ आवाज़ आ रही पानी की। और यहाँ पे साइड से एक नहाने का स्पॉट भी है, मेरे को अब दिखाई है, पर बाकी एक बार सामने की लोकेशन देखो क्या ही बढ़िया लग रही है यार। मैंने आप लोगों को ना उस साइड का व्यू दिखाया था उस साइड का, तो आप लोगों को कैसा लगा वो तो ये मेरे को आप लोग जरूर बताना ठीक है। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब ना वहाँ चलते हैं जहाँ मतलब मैं 2 महीने पहले गया था, मतलब कि इस नदी के पूरा लास्ट तक उस जगह जो कि मतलब एक नहाने का स्पॉट था, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं मतलब कि वहाँ का क्या व्यू है अभी मानसून में ठीक है। यहाँ का तो देख लें यहाँ पे भी नॉर्मल है, पर वहाँ पे मतलब कि वो जगह काफ़ी छोटी है ठीक है, तो वहाँ पे जो पानी का लेवल होगा काफ़ी बढ़ गया होगा और साइज से बड़ा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पानी है ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे तक और घूम के आते, तो चलते हैं फिर जिस जगह हम लोग गए थे ना 2 महीने पहले, तो अभी चलते हैं वहाँ पे 2 महीने बाद मतलब अगस्त में चलते हैं, मैं गया था जून में एक बार ना। उधर का व्यू देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार देखने में, ये देखो हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी होती है ना, तो क्या ही बढ़िया लगता है यार व्यू देखने में। ओ यहाँ से आ रही है बाढ़, वाटरफॉल बन गया एक और पहाड़ों के बीच से। तो बाकी भैया ये पहुँच चुके हैं हम लोग संतला देवी ठीक है, तो संतला देवी के रूट पे पहुँच चुका हूँ मैं, और लास्ट टाइम हम लोग कहाँ आए थे याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो मैं बताने नहीं वाला, थोड़ा याद करो बदल जाएगा। ये देखो भाई पानी ना आप लोगों को दिख रहा होगा कितना लेवल का है अभी यहाँ पे ठीक है, और पानी मेरे को काफ़ी साफ लग रहा है यार। एक टाइम मतलब यहाँ पे आओ तो मतलब हर जगह ना मतलब कि ब्राउन ब्राउन दिखेगा हर जगह पूरा व्यू ठीक है। अभी देखो क्या ही ग्रीनरी दिख रही है यार, क्या ही ग्रीनरी। अगर मेरे को वाली वीडियो मिलेगी ना तो मैं दिखाऊंगा जरूर आप लोगों को, मतलब पहले कैसे था और अब देखो मानसून में कितना बढ़िया आता है। तभी तो बोलता हूँ मानसून में यार वो तो व्यू जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार देखने में। क्या वीडियो बनाने के लिए जैसे लोकेशन चाहिए होती है ना, सबसे बढ़िया जो लोकेशन है वो ये वाली है। देखो अभी देखो यहाँ पे ना मतलब घास ही घास होगी हर जगह, जब लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे एंटोर का जो रिव्यू करा था ना वो इसी जगह करा था मैंने। अभी देखो मतलब क्या ही ग्रीनरी होगी हर जगह एकदम, और उस टाइम देखो मतलब कैसे था हर जगह, मतलब कि घास ना वो थी एकदम ऐसा, मतलब घास ही नहीं थी वहाँ पे। अब देखो क्या ही बढ़िया हो गया। ओ भाई वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी क्या, चलो इतना नहीं है पानी निकल जाएगी। देखने में लग रहा था कि ज़्यादा गहरा है, नॉर्मल था। तो बाकी फिर दोबारा देखो मैं पहुंच चुका हूं 2 महीने बाद उसी जगह पे जिस जगह मैं 2 महीने पहले आया था, और उस टाइम यहाँ का जो सीन था वो अलग था और अब का यहाँ का सीन है वो काफ़ी अलग हो गया है। पानी के वास्ते आप लोगों को पता चल रहा होगा जो पानी का लेवल है और फोर्स है ना कितनी तेज़ आ रहा है। बाकी ये देखो ज़रा पीछे की तरफ टांगी ना दिए रही, देखो कितना तेज़ आ रहा है वहाँ पे, फोर्स देखो कितना तेज़ है। और पानी मतलब कि देखो सच बता रहा मैं अपना काफ़ी साफ़ हो गया पहले से, पहले ऐसा था कि मतलब कि साफ़ नहीं था, साफ़ हो गया काफ़ी। और ये देखो ज़रा क्या ही व्यू लग रहा है यार देखने में, ज़रा सामने का व्यू एक बार चेक करो भाई क्या ही बढ़िया व्यू लग रहा है। ग्रीनरी के साथ साथ ना एक नदी आ रही है और कितना बढ़िया व्यू लग रहा है देखने में, ऐसा लग नहीं रहा कि ये देहरादून में होगा, इतनी पास जगह होगी क्लॉक टावर के। देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है व्यू देखने में। बाकी ये नीचे की अपनी कोई नदी है, देखो ग्रीन पानी ना ग्रीन दिख रहा है, साफ पानी हो गया एकदम पूरा साफ। इस पानी को देख के ना दोबारा से मन कर रहा है कि मतलब कि दोबारा मतलब कि आना पड़ेगा नहाने। पानी देखो यार जरा कितना साफ है और लोकेशन देखो जरा कितनी मस्त लग रही है यार देखने में।
तो सिनेमैटिक भी दिखा दिया अभी यहाँ के मानसून के, ठीक है, इस नदी के सिनेमैटिक दिखा दिए। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मैं 2 महीने पहले आया था जब मैंने एंटोर का रिव्यू करा था, मैंने भी आप लोगों को लोकेशन भी दिखा दी कहाँ पे करा, मतलब वीडियो वगैरह के लिए या फिर कुछ भी मतलब चीज़, मतलब वीडियो के लिए ना जो लोकेशन मेरे को ठीक लगी वो मेरे को याद लोकेशन ठीक लगी संता देवी की। बस यहाँ पे ये है कि कुत्ते बहुत हैं तो भोगते रहते हैं थोड़ा बहुत बीच बीच में, बाकी फिर नॉर्मल रहते हैं अपना वो। बस ये लोकेशन इतना है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, रश नहीं रहता और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं रहता, इसलिए ना यहाँ पे मतलब कि वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एंटोर का रिव्यू करने भी यहीं आया था। और काफ़ी अच्छी जगह यार ये वाली, ठीक है। बाकी फिर अभी देख लो चारों तरफ की लोकेशन अपनी कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब चारों तरफ ना ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। और ऊपर से मतलब कि जो नदी है, मतलब एक बार बताना मेरे को, देखो सही में ये पानी ना मतलब कि हरा दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी साफ दिख रहा है पानी। और बाकी आप लोगों को वीडियो में कैसा दिख रहा है ये पानी ये मेरे को जरूर बताना। बाकी पर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है, देखो सच बता रहा हूँ ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोकेशन ना अपनी देहरादून में होगी, मेन क्लॉक टावर से इतनी पास होगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये कहीं और होगी। जैसे मैं आप लोगों को उस साइड दिखाई थी लोकेशन अभी, तो वो भी ऐसी लग रही थी मतलब कहीं और की लोकेशन होगी। बाकी जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तब भी मतलब कि सामने से देख के ना ऐसी लग रहा था कि ये लोकेशन ना कहीं और होगी, पर भाई इतनी बढ़िया लोकेशन हो रही है। पर ये है कि देखो ये पानी जो है ना ये मानसून में ही है इतना पानी, बाकी जैसे जैसे मानसून हटेगा ना वैसे वैसे यहाँ पे पानी का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी मतलब कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छा है, व्यू अच्छा हो रहा है काफ़ी। बारिश से रोज़ परेशान हो गए, आप लोगों ने कल शुरू में क्लिप भी देखी होगी जो कल शाम की थी, वहाँ पे भी यही सीन हो गया, ठीक है। तो आज थोड़ी धूप अच्छी निकली थी पर मुझे लग नहीं रहा था कि ये धूप इतनी देर तक निकलेगी और मुझे लगा ये बारिश हो सकती है, पर अभी अच्छा है कि धूप मतलब निकल गई और पूरा मौसम जो है ना आप लोगों को दिख रहा है पूरा साफ हो गया, क्लियर हो रहा। तो कल ट्राई करते हैं, कल कहीं और चलेंगे दूर और अच्छा सा एक ब्लॉग बनाएंगे। तो बाकी आज वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसी लोकेशन के साथ, लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, पानी की आज काफ़ी अभी तक तेज़ आ रही है भाई। तो बाकी फिर इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करना, जितने भी चैनल में नए लोग तो सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक गुड बाय, जय हिंद।